सोर्सेज ऑफ लॉ में जनाब ये हम देखेंगे कौन सा ऐसा नल है जहां से हमें कानून जो है वो हासिल होता है, जहां से हम कानून का पानी हासिल करते हैं। तो इस सिलसिले में बच्चों अगर आपको याद हो कल हम थोड़ी गुफ्तगू कर भी चुके थे, मैंने आपको बच्चों हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में बताया था और ये कहा था कि देर इज कॉमन लॉ, एक्विटी, कुरान एंड सुन्ना, इजमा, ये चार क्या हैं? ये चार हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ लॉ। हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ लॉ इससे क्या मतलब कि यहाँ पर जो कंटेंट्स, यहाँ पर जो चीजें, यहाँ पर जो रूल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं इन चारों जगहों पर, ये तमाम के तमाम रूल्स जो हैं ये हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दीज वर्क एज रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल की तरह से काम करते हैं और इसी को हम फिर प्रोसेस करते हैं कहां से? लेजिस्लेशन से, प्रेसिडेंट से, कस्टम से और एग्रीमेंट से। इन सारी चीजों को हम ये इन हिस्टोरिकल सोर्सेज को इन लीगल सोर्सेज में से प्रोसेस करके जो फाइनल एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट प्रोडक्ट इज लॉ फॉर अस, दैट इज समथिंग विच वी आर बाउंड टू फॉलो। जिसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन हिस्टोरिकल सोर्स में कोई एक चीज लिखी हुई है उसको जनाब, उस रूल को अगर हम फॉलो नहीं करते तो हमें इस चीज का कोई नुकसान नहीं है। ये कोई हमारी इखलाकी जिम्मेदारी हो सकती है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज के रूल्स को फॉलो करें, लेकिन ये हमारी कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस बात की वजाहत जो है वो एक दो मिसालें देकर करना चाहता हूँ। सबसे पहली मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ सूद से मुतल्लिक। आप ये जानते होंगे कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक सूद लेने और देने वाला दोनों जनाब अल्लाह के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग में, और अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग जो है ये कोई भी शख्स जीत नहीं सकता। तो फिर जनाब ये जो हमारे वो इस्लामी जो एक इकदार और इस्लामिक सोच है इसको अगर हम देखें तो कानूनी तौर के ऊपर हम सूद से मुतलिक कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सूद जो है वो कानूनी तौर के ऊपर हम वसूल कर सकते हैं। तो जी बहुत बड़ा तजाद आ जाता है हिस्टोरिकल सोर्स के हवाले से, कुरान और सुन्नत के हवाले से तो सूद जो है वो हराम है, लेकिन लीगल सोर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सूद जो है इसमें कोई ममानियत नहीं। सूद जो है इससे मुतलिक कोई भी कारोबार, कोई लेन देन होता है वो किया जा सकता। अब मजीद इसमें और जो मैं आपको वजाहत करना चाहता हूं और वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल सोर्सेज के हवाले से हम बात करते हैं तो कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है के वालिदैन की इज्जत करना ये हम सब का फर्ज है। देखो बच्चों हकूक अल्लाह जो है उनकी माफी हो सकती, हकूकुल इबाद की माफी नहीं। और हकूकुल इबाद में सबसे पहला हक वालिदैन का हक है, और अगर आप वालिदैन की खिदमत नहीं करते हैं, वालिदैन का एहतराम नहीं करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अल्लाह आपसे नाराज होगा। अब जनाब ये अल्लाह की इस तरह की नाराजगी जुनसी है, ये सिर्फ जुनसी है, वो एक इखलाकी बात के तौर के ऊपर आप सोच सकते हो, ये कोई आपकी कानूनी जिम्मेदारी नहीं है कि वालदेन की आप इज्जत करें। यानी कि वालदेन की इज्जत इखलाकी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी नहीं। एक किसी तरह से जनाब बड़ा बदबख्त शख्स जो अपनी बेवा वालदा के साथ में बदतमीजी किया करता था, क्या हुआ कि ऊंची ऊंची आवाज से उनको डांटना और जना बुरा भला कहना और दूसरों के सामने नीचे दिखाने की कोशिश करना, ये जनाब एक शख्स बदबख्त शख्स की आदत बन चुकी थी। अपनी वालदा के साथ उसका ये सलूक था। एक दफा ये इसकी वालदा जिनसे हम साये में गई हुई थी तो हम साया जिनसा ना वो बोलता है खाला जी आपका बेटा अक्सर जना भी ऊंची ऊंची आवाज से बोल रहा होता है और हमारे घर तक आवाज आ रही होती है, तो क्या इसको समझाने वाला कोई नहीं? बस बेटा क्या बताऊं, इसको कई दफा समझाया है कि ऐसे ना किया कर, तुझे ये अच्छा नहीं लगता और बुरी बात होती है, लेकिन ये समझते नहीं। नहीं नहीं खाला जी मैं बात करूंगा इससे, आप बेफिक्र है।
हमसाए ने जनाब वो जो वालदा थी इस शख्स की उनसे ये कहा, तो फिर जनाब इस शख्स की उस हमसाए की उस शख्स की से मुलाकात होती है। तो हमसाया उस शख्स को समझाता है, यार देखो ये वालदैन के साथ में इस तरह का सलूक नहीं करते। ओ चड्डो जी आपको क्या है जनाब, हमारे घर का मामला है जनाब, आप ऐसे खाम खा इसमें टांग अड़ाने की कोशिश ना करें, ये आपका मसला नहीं है कि जनाब क्या है और किस तरह से है, बस आप जनता ना अपने काम से काम रखें। हमने कभी आपकी दीवार के साथ कान लगा के सुनने की कोशिश की है कि आपके घर में क्या हो रहा है? आप क्यों ऐसा करते हैं कि हमारी दीवार के साथ कान लगा कर सुने कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे घर की बात है, आपने खबरदार इसमें कोई इंटरफेयर किया। लो जी कहानी आगे मैं चलाना चाहता हूँ। हुआ क्या कि पार्लियामेंट से फर्ज कर लें बच्चों कि एक लॉ पास हो जाता है, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इसको बोलते हैं, पार्लियामेंट से एक कानून पास हो जाता है जी। और उस कानून के तहत, कानून का क्या नाम है जी, रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2016। इस कानून के तहत अगर कोई पेरेंट्स अपने जनाब बच्चों के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते, तो जनाब कंप्लेंट सॉरी वो जो बच्चे हैं जो इज्जत नहीं करते हैं उनको जनाब 5 साल कैद की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। ये जनाब कोई कानून जो कि जनाब पहले कुरान और सुन्नत में सिर्फ इसके मुतालिक हदायत थी जो इखलाकी फर्ज था, ये कानून बन जाने के बाद अब ये कानूनी जिम्मेदारी भी बन गई। ये हम साया सुबह सुबह उठाए मॉर्निंग वॉक के लिए, जनाब जब सामने पार्क में पहुंचा है अपने घर के सामने, क्या देखता है ये शख्स अम्मी जी को जनाब उसने व्हील चेयर पे जनाब बिठाया हुआ है और पार्क में अम्मी जी हो रही है जनाब, कभी यूं करता है इधर ले जाता है कभी यूं करता है उधर ले जाता है। हमसाया हैरान हो जाता है, वो ये हुआ क्या, वो जाकर आगे होकर दुनसाना पूछता है, खाला जी सब खैरियत है ठीक है, ये बच्चा जो कल तक आपकी जनाब बात नहीं सुनता था बुरा भला कहता था और आज आपको अम्मी जी करता फिर रहा है। वो खाला जी बोलती है, बस पुत्र मुझे तो पता नहीं चला, रात को कोई टीवी पर खबरें देख रहा था, उसके बाद से आकर जनाब खबरें देखते देखते उठकर राक्षस ने जनाब मेरी टांगे पकड़ ली और जनाब दबाना शुरू कर दिए, तो पता नहीं क्या हुआ है। तो जनाब आप समझ गए हैं कि क्या हुआ है कि जनाब कानून बन गया है और एक कानूनी जिम्मेदारी जब हो तो उसको अगर कोई फॉलो ना करे तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। हमसाय ने भी ऐसे कहा कि खाला जी आइंदा आपने टेंशन ही लेनी अपने बच्चे की, कोई अगर बदतमीजी करेगा आपने फौरन मुझे बताना है, पुलिस को आगे मैं ही बुलाऊंगा जिसके खिलाफ हम फिर कार्रवाई करेंगे। तो बच्चों मैं इस छोटी सी कहानी से आपको ये वजाहत करना चाह रहा था कि हिस्टोरिकल सोर्सेज और लीगल सोर्सेज में क्या फर्क है। हिस्टोरिकल सोर्सेज का मतलब वो सोर्सेज जहां जिसमें कोई असूल अगर बयान किए गए हों उनको फॉलो करना हमारे लिए लाजमी नहीं है। हिस्टोरिकल सोर्सेज जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बयान किए हैं एज इट इज, ये आपकी बुक में इस तरह से नहीं लिखे हुए, आपकी बुक में कॉमन लॉ और एक्विटी का या कुरान और सुन्ना का जिक्र तो है लेकिन खास तौर के ऊपर इजमा का जिक्र नहीं है। लेकिन एक अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए और एक सियाको सबाक के हवाले से आपको चीज हाईलाइट करने के लिए मैंने ये बच्चों टर्म्स इसमें ऐड की। इसके अलावा हिस्टोरिकल सोर्सेज के अलावा लीगल सोर्सेज का आपकी बुक में जिक्र है, उसमें लेजिस्लेशन जैसे भी मैंने बताया कि पार्लियामेंट से कानून बनाने को हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। एक और जो लीगल सोर्स है वो है प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स अभी आगे मैं आपको इसके बारे में और भी तफसील से बताऊंगा। प्रेसिडेंट बोलते हैं कोई ऐसा कानून कोई ऐसा रूल जो कि अदालतों ने बनाया हो। क्या अदालतें भी हमारे लिए लॉ बनाती हैं? जी हाँ बच्चों, कानून की तशरीह करने का काम, कल हमने ये बात की थी कि अदालतों का है, यानी कि टू टेल हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, अदालतों का काम है कि बताना कौन सही है और कौन गलत, और अदालतों के इसी काम में जब कोई एक वो असूल वाजे कर देते हैं तो वो असूल हमारे लिए लॉ का दर्जा रखता है। लेकिन ये सिंपल सी बात है और वो ये कि आईन में आपके लिखा हुआ है जो कोई भी आईन को तोड़ेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी,
आर्टिकल 6 कह लें जी इसको। और फिर हम क्या देखते हैं कि ना जियाउल हक साहब जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जब उन्होंने एम्पायर के तौर के ऊपर उंगली उठाई, ना उनको फांसी लगी और ना मुशर्रफ ने जब पहली दफा जनाब आइन को तोड़ा था उसको फांसी लगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जनाब मुकदमा पेश किया गया कि देखें जी आइन के खिलाफ इन्होंने ये काम किया है, तो उस वक्त की अदालतों ने कहा कि कोई बात नहीं, ये जनाब इस वक्त की मजबूरी थी कि आइन के तहत मुल्क को नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए अगर आइन को तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, ठीक हो गया। लेकिन फिर अब जब दोबारा मुशर्रफ ने ऐसे किया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना जी ना, ये तो बड़ी बदतमीजी, इस तरह की इजाजत दूसरी है वो नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? ये तो जनाब मजाक ही बना लिया इन्होंने आर्मी जनरल्स ने कि भाई ये आइन को तोड़कर जो सुना वो कोई भी बहाना बना ले और अपना जनाब वो जो है कानून बनाना शुरू कर देते हैं, वो इस तरह के करने की अब मजीद इनको इजाजत नहीं दी जा सकती। तो मैं आपके लिए जो पॉइंट बनाना चाहता हूँ वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना ये हमारे लिए लॉ का दर्जा रखती है चीज, दिस इज लॉ फॉर अस। सब दोस्तों को ये बात समझ आ रही है ना? नेक्स्ट बच्चों, इसमें कस्टम्स हैं जो कि लीगल सोर्स ऑफ लॉ के तौर के ऊपर आपको बच्चों ये बात देखने को मिलती है अपनी बुक में। कस्टम्स बोलते हैं रस्मों रवाज को, तौर तरीके, ये हमारे लिए लॉ का दर्जा रखते हैं, ये तौर तरीके रस्मों रवाज, दिस इज लॉ फॉर अस। वो इसलिए कि क्योंकि कई ऐसे ट्रेड या प्रोफेशन हैं बच्चों जिससे मुतलिक अभी तक लॉज हैं वो डेवलप हुए नहीं। मैं खास तौर के ऊपर बात करना चाहता हूँ इंटरनेट के हवाले से। देखिए बच्चों, कई आपको कहीं बकायदा से एस्टेब्लिश्ड सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जो सी कानून की किताब में नहीं मिलती। देयर इज नॉट रिटन ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन लॉ, लिहाजा कल को अगर हमें सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करनी भी हो तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। ये बच्चों जो रस्म और रवाज तौर तरीके आमतौर के ऊपर इंटरनेट के हवाले से, जैसा कि कोई एक सॉफ्टवेयर को एक प्रोग्राम को कहा जाता है वही डेफिनेशन है जो कानूनी तौर के ऊपर भी एक्सेप्टेबल होगी। तो जी इस तरह से कस्टम ऑल्सो आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ लॉ, ए लीगल सोर्स ऑफ लॉ फॉर अस। और उसके बाद एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट बच्चों जो पार्टीज के दरमियान में जनाब जो तय हो जाए मामला, तो ये उन पार्टीज के लिए आपस में बच्चों एक लॉ बन जाता है, ये उन पार्टीज के लिए आपस में एक लॉ का दर्जा रखती है चीज, जिसको क्या फॉलो करना सबके लिए लाजमी होता है। तो जी एग्रीमेंट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ लॉ फॉर द पार्टीज जो कि जनाब कोई आपस में मामला तय कर लेती हैं पार्टीज, ये उनके लिए बच्चों लॉ बन जाती है चीज, ठीक है बच्चों। जो पार्टीज आपस में मामला तय कर लेती हैं ये उनके लिए एग्रीमेंट जो है ये एक लॉ बन जाता है। अच्छा बच्चों, जी हमारे एक दोस्त ये कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कस्टम की कोई डिफरेंट एग्जाम्पल दें काइंडली सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के अलावा। अच्छा जी, कस्टम की कोई और मिसाल मुझसे दोस्त मांगना चाह रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर के अलावा हो। देखिए बेटा, कोई कारोबार, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट की आप मिसाल ले लें, स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस प्लेस है और उस बिजनेस प्लेस में कई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे जो मार्केट में खुद से बनाए गए हैं, उनको मार्केट की कोई ट्रांजेक्शन के हवाले से लॉ का दर्जा, वो रूल्स उन्होंने खुद बनाए, वो मार्केट के रूल्स हैं और उन रूल्स को लेकर के हम जनाब मसलन T+3 एक ट्रांजेक्शन को बोलते हैं। मेरा ज्यादा तजर्बा है जी स्टॉक मार्केट की ट्रांजेक्शन के हवाले से, क्योंकि मेरे ज्यादातर जो प्रैक्टिस करने के बाद से क्लाइंट्स हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स हैं। तो जी वहां पर स्टॉक मार्केट में ना T+3 एक रूल जो सा है वो है जो कि चलता है। T+3 ये किसी कानून की किताब में रूल नहीं लिखा हुआ,
T+3 ये मार्केट का रूल है और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है जिस दिन हुई है उससे 3 दिन के अंदर अंदर उसको मुकम्मल एग्जीक्यूट करना है। यानी कि अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो उसकी पेमेंट आपने 3 दिन के अंदर अंदर करनी है, या अगर आपने शेयर बेचे हैं तो आपने 3 दिन के अंदर अंदर शेयर जो है वो अगली पार्टी को ट्रांसफर करना है। तो जी ये T+3 का एक रूल है जो कि स्टॉक मार्केट में बच्चों ये इसके ऊपर इस तरह से ये बना हुआ रूल उनके दरमियान मार्केट के लोगों के दरमियान में वो लॉ का दर्जा रखता है। तो ये एक मिसाल हो सकती है कस्टम की, जो कस्टमरी प्रैक्टिस उस मार्केट के सिर्फ हवाले से है और उस मार्केट के अलावा वो लॉ नहीं है। जो कोई भी जनाब आएगा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए तो उसको ये रूल जो है फॉलो करना पड़ेगा, हालांकि ये रूल किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल इट वर्क्स एज लॉ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको ये हाईलाइट किया बच्चों कि ये हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं और लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है। अब बच्चों मैं मजीद आगे चलना चाहता हूँ, आगे चलते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको सिर्फ ये डेफिनेशन है वो हाईलाइट करवा दूं कि कॉमन लॉ की डेफिनेशन क्या होती है और एक्विटी की डेफिनेशन क्या होती है। ये अपने पास आप नोट कर लें, या इसको आपने रिकॉर्ड कर लिया है या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। ये बच्चों आपके सामने इस वक्त जो डिस्प्ले पर तस्वीर नजर आ रही है, यहाँ कॉमन लॉ की मैं आपको डेफिनेशन है जो कि बताना चाहता हूँ। कॉमन लॉ मीन्स रूल्स ऑफ लोकल कस्टम एंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विच वर ऑब्जर्व बाय नॉर्मन रूलर्स आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1066। 1066 में इंग्लैंड जो है बच्चों वो फतह किया गया था। 1066 में नॉर्मन रूलर्स जो थे उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर कब्जा किया था। ये हुक्मरान जिन्होंने इंग्लैंड के ऊपर कब्जा किया 1066 में, आज भी जो क्वीन एलिजबेथ है वो इन्हीं हुक्मरानों की नस्ल में से है। वहां पर बच्चों ये एक इनहेरिटेंस का मामला है कि वहां पर हुक्मरान कौन होगा। अभी आजकल इंटरनेट फेसबुक के ऊपर और जरा वो मीडिया के ऊपर वो खबरें चल रही हैं कि वो अम्मा जी जो क्वीन एलिजबेथ है ना उनका पोता जो है ना वो इंडिया गया हुआ है वहां पर सैर सूर करने के लिए अपनी बेगम को साथ लेकर, और वहां पर उनकी तस्वीरें तस्वीरें जो होती हैं वो काफी आ रही हैं। तो वो वली है जी, वो अगर अम्मा जी फोत हो जाती हैं और उनके बाद शहजादा चार्ल्स भी फोत हो जाता है, तो शहजादा चार्ल्स और अम्मा जी इन दोनों के फोत होने के बाद ये जो उनका पोता है ही विल बी द नेक्स्ट किंग, वो फिर उसके बाद से जो है ना वो बादशाह बनेगा। तो इनका इस तरह से जनाब वहां पर यूके में सिस्टम है। बहरहाल हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हम जनाब कॉमन लॉ की डेफिनेशन है जो कि समझना चाहते हैं। कॉमन लॉ मींस रूल्स ऑफ लोकल कस्टम एंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस व्हिच वर ऑब्जर्व्ड बाय नॉर्मन रूलर्स आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1066। 1066 में जब नॉर्मन रूलर्स ने इंग्लैंड के ऊपर कब्जा किया तो उस वक्त जो यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको कॉमन लॉ बोलते हैं, उनको इन्होंने अपने पास महफूज कर लिया। मजीद हिस्ट्री हमें जानने की जरूरत नहीं, ये पीछे जो तस्वीर बनी हुई है ये किसी आर्टिस्ट ने ये जो आखिरी आखिरी मार्का हुआ था जिसके बाद इंग्लैंड के ऊपर ये नॉर्मन रूलर्स का कब्जा हो गया था वो आखिरी मार्के की ये किसी एक आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है कि किस तरह से घोड़े जो से पसपा हो रहे हैं और इधर से आने वाली फौज जो सी है वो जनाब इनके ऊपर हावी आ रही है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। तो बच्चों ये सिर्फ डेफिनेशन आपने याद रखनी है, इसके अलावा जो इर्द गिर्द की बातें बता रहा हूँ ये सिर्फ वो लगा रहा हूँ मसाला लगा रहा हूँ या कोई एक गोंद लगा रहा हूँ जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को आसानी से चिपका लें अपने जहन में। ये कोई फेविकॉल है कि सैया ये तस्वीर चिपका ले जरा फेविकॉल से, तो ये जनाब डेफिनेशन भी आप चिपका ले जरा अच्छे तरीके से। कॉमन लॉ की डेफिनेशन के बाद बच्चों आपको अगली जो डेफिनेशन बतानी है वो है एक्विटी की। जिस तरह से अगर आपने कॉमन लॉ की डेफिनेशन की जनाब कोई एक स्क्रीनशॉट ले लिया हो, डेफिनेशन को आपने पास नोट कर लिया हो,
इसी तरह से बच्चों ये एक्विटी की डेफिनेशन को भी बच्चों इधर अपने पास नोट कर ले। ये कॉमन लॉ और एक्विटी मैंने बताया था आपको, ये हमें दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो अंग्रेजों से हासिल हुई, इंग्लिश लीगल सिस्टम के लिए जनाब दोनों प्रोडक्ट। हमारे पाकिस्तान की जो हमारे अपनी जो मुसलमान होने के नाते से आइडियोलॉजी है वो जनाब कुरान और सुन्नत से उसका ताल्लुक है, ये लेकिन कॉमन लॉ एक्विटी ये चीजें ये हैं क्योंकि हमारे लॉ ज्यादातर जनाब वो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हमें ये चीजें ये अपने लॉज में हमें नजर आती हैं। एक्विटी और कॉमन लॉ में फर्क क्या है? एक्विटी और कॉमन लॉ में फर्क सिर्फ ये है कि कॉमन लॉ पहले आया और एक्विटी बाद में। क्या मतलब जी? मतलब ये है बच्चों कि कानून का बुनियादी मकसद लोगों को इंसाफ फराहम करना होता है, और अगर कानून इंसाफ फराहम ना करे लोगों को तो लोग उस कानून को मानने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि कॉमन लॉ भी जब इन्होंने देखा, जब इंग्लैंड के ऊपर कब्जा किया, एक सिस्टम था बकायदा जिसके तहत उन्होंने फिर मुल्क को चलाया नॉर्मल रूलर्स ने, लेकिन कुछ अरसे बाद उनको महसूस हुआ कि माशरे में कोई नए तौर तरीके डेवलप हो गए हैं, नया रहन सहन आ गया है जिसको कि कॉमन लॉ जो है वो एड्रेस नहीं करता। ये जो नई नई चीजें है ना बच्चों आज के दौर में बड़ी तेजी से हैं जो महसूस की जाती हैं। मैं हैरान हूं जिस तरह से जनाब ये टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता हमारे सारे कामों को जनाब अपने कंट्रोल में कर रही है, और मतलब हमारी सोच से भी तेज नई चीजें जो हैं वो आ रही हैं कि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जिनको देखकर अकल दंग रह जाती है, सोच काम करने से छोड़ देती है कि क्या ये भी मुमकिन है, क्या ये भी हो सकता है। ये मेरे लिए खास तौर के ऊपर जब मैं टेक्नोलॉजिकली चीजों को देखता हूँ या जिस तरह से ये जो गैजेट जुन्सी है, जो मोबाइल और जो इंटरनेट जो इस तरह से सारे मामलात हैं, वो बच्चों मैं कम अज कम बहुत हैरान होता हूँ कि ये किस तरह से हमारा माशरा इस तरह से बदल रहा है। तो जी उस जमाने में भी इसी तरह से जनाब चेंजेस हो रही थी, और वो जो चेंजेस थी उनके साथ में जो कॉमन लॉ में ये गुंजाइश ही नहीं थी कि लोगों के नए नए मसले मसाइल को एड्रेस कर सके, तो जो नए मसले मसाइल थे उनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने यूके में एक और सिस्टम मुतारफ करवाया, और उस सिस्टम का नाम था एक्विटी, जिसकी बेसिस जो सी थी कोई रूल्स जो थे वो नहीं थे बल्कि इखलाकियात। आपने बच्चों हिस्टोरिकल सोर्सेज और लीगल सोर्सेज की डिस्कशन से ये जरूर लर्न कर लिया होगा कि हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हैं उनमें डेप्थ और उनमें ब्रॉडनेस ज्यादा है, लेकिन जनाब उनकी डेप्थ और ब्रॉडनेस में जो कोई एनफोर्सिंग पावर है वो इतनी ज्यादा नहीं है। इन्फोर्सिंग पावर जो है वो सिर्फ लीगल सोर्सेज में से मटेरियल जो आते हैं उनमें। तो जी मोरालिटी की यही डेप्थ और जो जो उसमें ऑप्शंस हैं उन्हीं के हवाले से बच्चों कहा गया है कि एक्विटी इन इट्स पॉपुलर सेंस इज इक्विवेलेंट टू मोरालिटी, कि अखलाकी असूलों की बुनियाद के ऊपर कहीं पर जनाब कोई लोगों को काम करने की जरूरत है, और यही पैगाम है एक्विटी का। In its popular sense, equity is equivalent to morality. Equity is distinguishable from common law, not because it seeks to achieve a different end for both aim and justice. उन्होंने अगले सेंटेंस में कहा कि equity common law से फर्क है इसलिए नहीं कि दोनों का मकसद फर्क है, क्योंकि दोनों का ही मकसद इंसाफ फराहम करना है, but merely because it appeared at a later stage of legal development. लेकिन एक्विटी से कॉमन लॉ फर्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक्विटी बाद में आई और कॉमन लॉ पहले आया। तो बच्चों ये भी आपने डेफिनेशन जो सी है समझ जो है थोड़ी बहुत आ गई हो तो काफी है, बाकी अगर आप इस डेफिनेशन का रट्टा भी लगा लेते हैं तो भी बच्चों ये आपके लिए काम आएगी
क्योंकि कॉमन लॉ और एक्विटी ये दो वर्ड्स हैं जो आगे बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होंगे, और आपको इनके मीनिंग्स अगर क्लियर हैं तो फिर आपको जनाब वो वर्ड्स के वाले से कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी जहां पर ये यूज हुए हैं। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, और नेक्स्ट टॉपिक है प्रेफरेंस। अगर आप अपनी बुक्स खोल कर देखेंगे, और बुक्स से मेरा मतलब आईकेप की किताब है, आईकेप की किताबों को खोल कर देखेंगे तो बच्चों उसमें आपको ये इसी तरतीब से मिलता ना, नेक्स्ट जो हेडिंग अपनी बुक में देखने को मिलेगी वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का लफ्जी मतलब बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया है, और वो है टू फॉलो एन एग्जाम्पल। प्रेसिडेंट मीन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, टू फॉलो एन एग्जाम्पल, ये बच्चों प्रेसिडेंट का लफ्जी तर्जुमा। प्रेसिडेंट मीन टू फॉलो एन एग्जाम्पल। जी हमारे एक दोस्त तो सवाल को पूछ रहे हैं, प्लीज वन एग्जाम्पल ऑफ बोथ कॉमन लॉ। अच्छा जी, कॉमन लॉ और एक्विटी की कोई एक एक एग्जाम्पल जो है हमारे एक दोस्त वो पूछना चाह रहे हैं, तो बेटा मैं आपको कॉमन लॉ और एक्विटी के रूल्स की एक एग्जाम्पल ऐसी दे देता हूँ जो कि आपके सिलेबस में भी है, और उससे आप रिलेट करके इसको आगे आसानी से याद भी रख सकेंगे। जी कॉमन लॉ की मिसाल जो है और वो ये है बेटा कि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो कॉमन लॉ के मुताबिक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी को कोई अगर नुकसान की तलाफी करके देनी है तो वो नुकसान की तलाफी डैमेजेस की शक्ल में हो सकती है, वो नुकसान की तलाफी पैसे की शक्ल में हो सकती है, वो नुकसान की तलाफी किसी को पैसा दे करके की जा सकती है। ये है बेटा कॉमन लॉ की एक एग्जाम्पल। कॉमन लॉ इस चीज के ऊपर जोर देता है कि नुकसान हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पैसे दो, मुकदी मुकाओ, कम मुकाओ, मुकदी मुकाओ, कम निपटाओ, कुछ इस तरह से जनाब के वो काम को खत्म करने, केस को निपटाने के लिए वो क्या करते हैं कि जो हो गया जनाब उसमें आप जो समय पैसे दे दें। ये है जी कॉमन लॉ की डेफिनेशन, ये कॉमन लॉ की एग्जांपल। अब जी एक्विटी की एग्जांपल, एक्विटी की एग्जांपल ये है कि एक्विटी कहता है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाने के बावजूद में अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का ऑर्डर किया जाएगा, ना के पैसे दिए जाएंगे। यानी कि एक्विटी का जोर ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए अगर मुमकिन है परफॉर्म करना, ना के पैसे दे करके, जितना से कॉमन लॉ में एक असूल है कि पैसे दे दो और जान छुड़ाओ, तो जी वो पैसे देकर जान छुड़ाने की कोशिश ना की जाए, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बकायदा परफॉर्म करने के लिए पार्टी को कहा जाए। तो ये दो डिफरेंट असूल हैं, जो कि एक असूल का ताल्लुक कॉमन लॉ से है और दूसरे असूल का ताल्लुक एक्विटी से। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त जिन्होंने जनाब कॉमन लॉ और एक्विटी की एग्जांपल पूछी थी उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी बेटा, क्या आपको जवाब मिल गया? जी चले, बड़ी अच्छी बात होगी। अब बेटा आगे जरा देखिए, मैं नेक्स्ट जो आपको जो पॉइंट समझाने जा रहा हूं वो ये है कि प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं। प्रेसिडेंट्स का लफ्जी मतलब टू फॉलो एन एग्जाम्पल, किसी एक मिसाल को फॉलो करना। बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं जी लोगों के साथ, जिसके लिए उन्हें कोई एग्जाम्पल की जरूरत पड़ जाए। एक लड़का था, घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसकी अपनी एक ख्वाहिश है उसकी, इस चीज के लिए घर वाले मान नहीं रहे, और जनाब इसको याद पड़ता है कि इसके चाचा जी ने भी कोई घर वालों को कभी मनाकर अपना का काम निकलवाया था, तो ये जनाब ने चाचा के पास चला जाता और चाचा से जाकर बोलता है कि चाचा जी बताएं जनाब आपने किस तरह से घर वालों को मनाया था ताकि मैं भी जनाब उसी तरह से घर वालों को मना सकूं। तो चाचा जी की जो होगी दास्तान, चाचा जी ने जिस तरह से यूं यूं करके घर वालों को मनाया था, ये इस लड़के के लिए बन जाएगा प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल बन जाएगी।
जिसको फॉलो करके हो सकता है ये भी अपने घर वालों को मना ले, जो अगर वो अपने जिस तरह से कोई मतलब था जिन्हें मनाया था, घर वालों को काबू किया था, तो ये भी उस तरह से घर वालों को जना मना कर काबू कर ले। तो जी ये है प्रेसिडेंट के कोई सीधे से दो टोक मीनिंग। प्रेसिडेंट का लिटरल मीनिंग है टू फॉलो एन एग्जाम्पल। यहाँ पर बच्चों मैंने इसको आपके लिए हाईलाइट भी किया कि टू फॉलो एन एग्जाम्पल से क्या मतलब। प्रेसिडेंट मीन टू फॉलो एन एग्जाम्पल, किसी एक एग्जाम्पल को फॉलो करना, ये है जी प्रेसिडेंट का मतलब। अच्छा जी, अब आगे जनाब, एज ए सोर्स ऑफ लॉ प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज केस। प्रेसिडेंट को बच्चों केस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक और अल्टरनेट वर्ड है बच्चों जो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। प्रेसिडेंट के एक और मतलब है, एक और मीनिंग है, एक और वर्ड है जो कि प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, और वो है केस लॉ। प्रेसिडेंट एंड केस लॉ। द कोर्ट्स डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंसिस्टेंट विद इट्स प्रीवियस डिसीजन ऑन द सिमिलर फैक्ट्स ऑफ द केस, देयरफॉर द कोर्ट्स ऑब्जर्व द प्रेसिडेंट डिसाइडेड केस इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। ये जरा आप अगर इस तस्वीर में देखें तो आपको बच्चों एक लाइब्रेरी की जनाब ये तस्वीर है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये आपको दिखाई जा रही है बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी, जिसके जनाब ये देखिए कितने ही लेवल्स हैं और इतनी बड़ी और खूबसूरत। एक्चुअली लॉयर हजरात जिनसे होते हैं ना, वकला हजरात, उनका ये एसेट होता है लाइब्रेरी, एक वकील साहब। अच्छा जी, हमारे दोस्त ने एक और कंप्लेन की है कि सर स्लाइड्स आर नॉट मूविंग। स्लाइड्स के मूव ना करने की वजह जो सी है बेटा, ये हो सकता है कि कोई इंटरनेट कनेक्शन जो सा है वो है जो कि सही तरह से एक्ट अपॉन नहीं कर रहा है। तो आपके पास अगर कोई अल्टरनेट अपने कोई इंटरनेट कनेक्शन वगैरह हैं तो उसको अगर आप ना कोई मतलब स्विच करके देखें तो शायद उससे ना वो स्लाइड जो सी है वो मूव हो सकती, मूव होने का आपको पता चल सकता है। हाँ जी, हमारे एक दूसरे दोस्त हैं वो जनाब कह रहे हैं कि जी केस लॉ मींस प्रेसिडेंट। दोस्त और जिन्होंने सवाल किया कि केस लॉ का क्या मतलब है, तो जी केस लॉ का मतलब है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज इक्वल टू केस लॉ। अदालतों के फैसले बेटा ये लॉ का दर्जा रखते हैं, और अदालत से कोई एक मुकदमे का फैसला अगर हो गया है वो हमारी हमारे लिए लॉ है। ये ऑलरेडी अभी पहले मैंने बात की भी थी कि जनाब अदालत का फैसला हमारे लिए लॉ का दर्जा कैसे रखता है और इसके मीनिंग क्या है, वर्ड प्रेसिडेंट के मीनिंग क्या है मैंने बताया था। टू फॉलो एन एग्जाम्पल, किसी एक एग्जाम्पल को फॉलो करना, ये इसकी मीनिंग है। अच्छा जी, अब जो मैं बता रहा था कि ये लाइब्रेरी, इस तरह की लाइब्रेरी जो सी है ये इससे मतलब इतनी ज्यादा है बड़ी और जखीर लाइब्रेरी नहीं, लेकिन जनाब लॉयर हजरात भी जो हैं वो अपने पास लाइब्रेरीज मेंटेन करके रखते हैं। और वो लाइब्रेरीज क्यों मेंटेन करते हैं, इसलिए क्योंकि कल को अदालत में जब उन्होंने अपने किसी केस को कंटेस्ट करना है, वकील साहब ने अदालत में अगर मुकदमा लड़ना है तो इन्होंने अदालत में ये चीज जो सी है वो कोई भी पुराने फैसले जो से हैं वो पेश करने हैं अदालत को कन्विंस करने के लिए कि जनाब अदालत ने जो इस केस में फैसला करना है तो वो पुराने फैसलों के मुताबिक फैसला करना है। कोई जो वकील साहब अदालत को कन्विंस कर रहे हैं कि जनाबे वाला आप मुकदमे का ये फैसला करें, क्योंकि ये फैसला कोई पहली दफा ही नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह के मुकदमों में ये फैसले होते रहे, और इस हवाले से वो अदालत को प्रेसिडेंट्स हैं जो पुराने केसेस हैं जो पेश करते हैं। दीज प्रेसिडेंट्स आर ऑल्सो नोन एज केस, क्योंकि अदालत में प्रेजेंट करके अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि अदालत इस जो पेश करदा केस का फैसला है, पेश करदा जो केस लॉ है प्रेसिडेंट है, नए मुकदमे का फैसला भी इसी के मुताबिक करे। सबको ये बात समझ आ गई,
खास तौर के ऊपर वो दोस्त हमारे जिन्होंने जनाब ये सवाल पूछा था केस लॉ मींस, तो क्या उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया? चले बच्चों, ठीक हो गया। और वो जो हमारे दोस्त जो खास तौर पे कह रहे थे कि जी ये स्लाइड्स उनकी हैं वो मूव नहीं कर रही हैं, क्या उनकी स्लाइड्स उनसे रिफ्रेश हो गई? अच्छा, आप ऐसा कीजिए, जो अगर एक दोस्त की स्लाइड रिफ्रेश नहीं हो रही, आप इसको जो है ना वो दोबारा लॉग इन करने की कोशिश करें, या अभी ये आई मीन पर्सनल ओके। चलिए नेक्स्ट, अब आगे मैं चलना चाहता हूँ, इस स्लाइड से आगे चलते हैं। और चलिए अब बच्चों मजीद जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ये दो वर्ड्स, एक है रेशियो डेसिडेंडाई और दूसरा वर्ड है ऑर्बिटर डिक्टा। बच्चों क्या आपको ये स्लाइड नजर आ रही है? रेशियो डेसिडेंडाई और ऑर्बिटर डिक्टा, ये जो दो वर्ड्स हैं क्या बच्चों आपको नजर आ रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर? रेशियो डेसिडेंडाई एंड ऑर्बिटर डिक्टा, क्या ये दो वर्ड्स बच्चों आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं? अच्छा जी, ये कंप्लेन आ रही हैं कि भाई स्क्रीन जो उनकी है वो रिफ्रेश नहीं हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ कि इसकी क्या वजह हो सकती है, और आप भी तो अपना इंटरनेट कनेक्शन जरूर चेक कीजिए कि क्योंकि मेरे एंड के ऊपर तो ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल फ्रेश और सही चल रही हैं, आप अपने एंड के ऊपर देखिए नहीं। प्रेसिडेंट वाली स्लाइड जो थी है वो गुजर चुकी है, उससे अगली स्लाइड जो थी वो आ चुकी हुई है, और जो है उसके हवाले से है जो कि आपने देखना है कि आपको क्या आवाज ये तस्वीर जो थी है वो नजर आ रही है कि नहीं। जी बच्चों अब देखिए जरा, क्या अब आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर तो ये स्क्रीन जो थी नजर आ रही है प्रेसिडेंट्स की? ठीक हो गया जी, दो वर्ड आ गए जी आपके सामने जी। बाकी दोस्तों को बेटा ये तस्वीर जो थी है वो नजर आ गई है, उनके रिफ्रेश हो गई है तस्वीर। एक दोस्त है हमारे जो भी कंप्लेन कर रहे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा बेटा कि अगर आप इसको री लॉग इन करें तो हो सकता है उससे आपको जो ना ये प्रॉब्लम जो थी वो रिजोल्व हो जाए, क्योंकि ये इंटरनेट लैग कहलाता है, जिसकी वजह से कोई जो आप वॉइस को तो सुन रहे होते हैं लेकिन आपके एंड के ऊपर जो ना वो इंटरनेट में इश्यू होने की वजह से वो तस्वीर रिफ्रेश नहीं हो पा रही होती। अच्छा जी, ये दो वर्ड्स हैं जी, इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग जो हैं ये भी आप नोट कर लें, और ये दोनों वर्ड्स जो हैं बच्चों ये किस एतबार से हैं जो हमें याद रखने की जरूरत है? ये दोनों वर्ड बच्चों आपको याद रखने की जरूरत है एक जजमेंट के एतबार से। अदालत का जो फैसला होता है ना बच्चों, जिसे हम प्रेसिडेंट कह रहे हैं या केस लॉ कह रहे हैं, इसमें काफी चीजें लिखी हुई होती। फॉर एग्जाम्पल, जज साहब ने जो मुकदमे का फैसला किया तो उसमें उन्होंने जजमेंट जो की है कुछ 100 सफों की लिखवा दी, तो क्या ये 100 के 100 सफे हमारे लिए लॉ का दर्जा रखते हैं? ये है चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 100 के 100 सफे हमारे लिए लॉ नहीं। इन 100 सफों में कोई एक कंक्लूजन है जो जज साहब ने निकाला होगा,
और एक्चुअली वो कंक्लूजन है जो हमारे लिए लॉ का दर्जा रखती है चीज, हम उस कंक्लूजन को लॉ बोलते हैं, और वो कंक्लूजन एक और टेक्निकल नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड रेशियो डेसिडेंडाई। इसको हम बच्चों रेशियो डेसिडेंडाई के नाम से जानते हैं। द रेशियो डेसिडेंडाई ऑफ ए केस इज एनी रूल ऑफ लॉ ट्रीटेड बाय द जज इन हिज जजमेंट एज ए नेसेसरी स्टेप इन रीचिंग हिज कंक्लूजन। रेशियो डेसिडेंडाई इन ए जजमेंट हैज द बाइंडिंग इफेक्ट। बच्चों मैं यहां पर जिस वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है बच्चों, बाइंडिंग इफेक्ट। रेशियो डेसिडेंडाई इन ए जजमेंट हैज द बाइंडिंग इफेक्ट। बाइंडिंग इफेक्ट का मतलब कि वो चीज जिसे फॉलो करना लाजमी होता। तो एक जजमेंट में बच्चों जो ये रेशियो डेसिडेंडाई है ये हमारे लिए बाइंडिंग इफेक्ट रखती है, यानी कि इसे फॉलो करना लाजमी होता है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों, मेरी एक जरूरी कॉल आ रही है, मैं आई बी विद यू इन ए वाइल, एक मिनट में मैं आपके साथ में शामिल होता हूँ, होल्ड ऑन फॉर ए मिनट। आई एम बैक बच्चों, मैं वापस आ चुका हूँ। तो जी मैं आपको बता रहा था बच्चों कि ये प्रेसिडेंट जो है इसमें रेशियो डेसिडेंडाई ये वो एक फाइनल स्टेप है, ये वो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है जिसको के जनाब कोई भी एक जजमेंट में हम जज कर सकते हैं, या फाइनली वो पॉइंट है जिसको कि हम देख सकते हैं। 100 सफों की जजमेंट जज साहब ने लिखवा दी जिसको प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर देखा जा रहा है, लेकिन क्या ये 100 के 100 सफे हमारे लिए लॉ हैं? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, ये 100 के 100 सफे हमारे लिए लॉ नहीं है। इन 100 सफों में कोई जज साहब ने जनता है वह क्या लिखे होंगे कि क्यों उनको ये उनके पास ये केस आया, और उसमें जनाब कोई लोगों ने जनाब जो बहस मुबैसा किया है तो उसमें क्या दलाइल वगैरह दिए होंगे, और तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में अदालत ने जो नतीजा निकाला है, दैट फाइनल कंक्लूजन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेशियो डेसिडेंडाई। 100 सफों की जजमेंट में वो फाइनल कंक्लूजन जो जज साहब ने निकाला, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेशियो डेसिडेंडाई, उसे हम रेशियो डेसिडेंडाई के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। रेशियो डेसिडेंडाई एक टेक्निकल वर्ड है, और टेक्निकल वर्ड होने के नाते से इसको बच्चों हम कंक्लूजन ऑफ ए केस या रीजन फॉर ए डिसीजन के तौर के ऊपर देख सकते हैं। जिस तरह से आपको बच्चों ये अभी स्लाइड के ऊपर एक लोमड़ी जो अंगूरों के गुच्छों के नीचे खड़ी है, इसको देखकर कोई कहानी याद आ गई होगी जिसके ऊपर एक मुहावरा भी बना हुआ है, अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चों मैं आपको ये तस्वीर से हाईलाइट ये करना चाहता हूँ कि कहानी जनाब जिसमें कि लोमड़ी जनाब बड़ी कोशिश से जो है वो अंगूर खाने के लिए छलांगे लगाती रही, लेकिन वो अंगूरों को ना पकड़ सकी, और ये बुरा भला कहते हुए जनाब चली गई कि ये तो अंगूर खाने से पेट ही खराब हो जाना था, अच्छा हुआ पकड़े नहीं गए। और मुहावरा ये बना हुआ है, अंगूर खट्टे हैं।
तो जी ये अंगूर खट्टे जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो कि कहानी के अंदाज में जनाब हमें देखने को मिलता है, इसी को हम रेशो डेसिडेंट डाई कह सकते हैं। पेपर में बच्चों अगर सवाल आए व्हाट इज रेशो डेसिडेंट डाई, तो आपने उसका जवाब हरगिज ये नहीं लिखना कि मॉरल ऑफ द स्टोरी। रेशो डेसिडेंट डाई मीन्स मॉरल ऑफ स्टोरी, ये खबरदार ये ऐसे नहीं लिखना आपने, लेकिन आपने ये जरूर रिलेट करके समझ लेना है कि जिस तरह से कहानी में मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, इसी तरह से किसी एक जजमेंट में रेशो डेसिडेंट डाई होती है। रेशो डेसिडेंट डाई, दिस इज कॉल्ड रीजन फॉर ए डिसीजन एंड इट हैज दी बाइंडिंग इफेक्ट। बाइंडिंग इफेक्ट का मतलब जिसे फॉलो करना लाजमी होता है, जिसे हम जनाब इनकार नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद अगला एक और वर्ड है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटर डिक्टा। ऑर्बिटर डिक्टा जो है ये क्या है, बाय द वे रिमार्क्स ऑफ ए जज इन ए जजमेंट। क्या हुआ कि जी पुलिस के खिलाफ जनाब हाई कोर्ट ने को फैसला सुनाया, हाई कोर्ट का कोई प्रेसिडेंट है, जिसमें उन्होंने पुलिस को काम तो कोई और करने के लिए कहा है, पुलिस को कोई हो सकता है उन्होंने हुक्म दिया है, हदायत की है कि वो FIR दर्ज करे, लेकिन साथ में ही उन्होंने पुलिस के लिए बहुत कुछ जनाब फरमाइशें भी की हैं कि पुलिस को चाहिए कि वो अपना अखलाक दुरुस्त करें, पुलिस को चाहिए कि वो लोगों के साथ तआवुन करें, पुलिस को चाहिए कि वो अपनी तौंदें कम करें। तो ये जो इतना कुछ चाहिए जज साहब ने कहा है अपनी जजमेंट में, दिस इज कॉल्ड रिमार्क्स ऑफ ए जज रिगार्डिंग ए सिचुएशन। ये एक जज के रिमार्क्स सुनते हैं, कहे जाते हैं, और टेक्निकली इन रिमार्क्स को हम ऑर्बिटर डिक्टा के नाम से जानते हैं। टेक्निकली जजमेंट का ये हिस्सा जिसमें किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जज साहब ने अपना जनाब ये एक गम गुस्से का इजहार किया है, अपने जनाब ओपिनियन का इजहार किया है, ये जो बच्चों खास तौर के ऊपर जजमेंट का हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटर डिक्टा। क्या ये मेरी बात समझ गया बच्चों? ऑर्बिटर डिक्टा और रेशो डेसिडेंट डाई का मतलब क्लियर हो गया आपको? जी बच्चों, क्या ये दोनों वर्ड आपको समझ आ गए? मैं उम्मीद करता हूं स्लाइड भी नजर आ चुकी होगी आपको, और इस स्लाइड के भी अगर आप तस्वीर खींचना चाहें, कोई स्नैपशॉट लेना चाहें, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा बच्चों कि ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, इसको आप इसके आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। एक और भी बच्चों आप काम कर सकते हैं, ये जो स्लाइड शो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड शो को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो ये बच्चों आपको फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप है, मर्केंटाइल लॉ विद असद, फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप है मर्केंटाइल लॉ विद असद, वहां उस ग्रुप में बच्चों आपको ये स्लाइड शो जो मिल जाएगा वीडियो फॉर्म में, जो कि आप अपने मोबाइल स्मार्टफोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं और बुक को पढ़ते हुए साथ में रखकर उसको रिलेट करते हुए चीजों को समझ सकते हैं। तो बच्चों बताइए, क्या ये दोनों वर्ड्स आपको समझ आ गए? हैव यू अंडरस्टूड दीज टू वर्ड्स? अच्छा जी, मैं आपको बच्चों इसको रिलेट करने के लिए एक और बच्चों मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, उससे आप बड़ी आसानी से इसको याद रख सकेंगे आइंदा आने वाले वक्तों के लिए। हुआ क्या कि घर में जनाब, अल्लाह ना करे जी, के आपके जनाब खिंचाई होगी, नहीं ये हमारे दोस्त ने एक और कमेंट दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमारे दोस्त कह रहे हैं मीन्स थिंग्स अदर देन मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑर्बिटर डिक्टा। नहीं, तमाम अदर देन मॉरल ऑफ द स्टोरी या रेशो डिसिडेंट डाई के अलावा जो सारी चीजें हैं उनको ऑर्बिटर डिक्टा नहीं बोलते। ऑर्बिटर डिक्टा जो है वो रिमार्क्स हैं एक जज साहब के। मैं आपको घर के जो जज होते हैं वाले साहब, उनके हवाले से समझा देता हूँ। क्या हुआ कि जी मार्क्स अच्छे नहीं आए बच्चे के, और बच्चे को जो था ना वो बुला लिया गया, पेशी होगी बच्चे की, चलो जी वालिद साहब के सामने, वालिद साहब अब फैसला करेंगे तुम्हें आगे करना क्या है। अब जनाब बच्चे को जो था ना वालिद साहब ने जनाब जजमेंट सुना दी कि भाई तू अब आइंदा काम पर जाएगा और तेरा जनाब पढ़ाई बंद,
तूने जनाब जिस तरह से जुलसा ना वो अभी तक काम दिखाए, इसमें अब तेरी जनाब कोई आइंदा जुलसा ना वो मतलब हमें पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। तू जनाब शाबाश काम काज पर जा, कोई दुकानदारी कर, चार पैसे कमा। ये क्या हो गया? ये हो गया रेशो डेसिडेंट डाई। साथ में जनाब वो हदायत की जाती है कि भी आपको चाहिए कि अपना मोबाइल जनाब आप इस्तेमाल ना किया करें, आपको चाहिए घर में जब मेहमान आए तो उनके सामने आकर बैठा करें, उनसे सलाम दुआ लिया करें, आपको चाहिए कि आप रात को लेट आज तक ना जागा करें, आपको चाहिए सुबह उठ के नमाज पढ़ा करें। ये जो इतना कुछ चाहिए कह दिया, ये वालिद साहब का हम कह सकते हैं क्या है, ऑबिटर डिक्टा। ये उनके बाय द वे रिमार्क्स हैं, ये जनाब फॉलो करना लाजमी नहीं है। लेकिन जो ये फैसला हो गया कि आपकी पढ़ाई की हमें जरूरत नहीं और आप जनाब दुकान पर जाएंगे और काम काज करेंगे, ये कहलाएगा रेशो डेसिडेंट डाई। क्या आप दोस्तों को ये बात समझ आ गई कि घर के माहौल में ये रेशो डेसिडेंट डाई और ऑबिटर डिक्टा को आप किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? सब सबको ये बात क्लियर हो गई होगी? जी बिल्कुल। जो दोस्त जनाब इन दोनों में कंफ्यूज भी हो रहे थे वो भी बच्चों अब समझ गए हैं सारी बात को। यही बड़ा अच्छा होता है तरीका, जब अपने पर आती है ना सारी बातें वाज़े साफ साफ समझ आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये साइंटिफिक असूल है, ये समझदारी का असूल है जी। अच्छा बच्चों, रेशो डेसिडेंट डाई और ऑर्बिटर डिक्टाई, ये दोनों टर्म्स जैसे मैंने आपको समझा दी, और ये हर जजमेंट में बच्चों ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब मैं जो आपको यहाँ पर स्लाइड शो के ऊपर बात बताने जा रहा हूँ वो है दैट हाउ प्रेसिडेंट्स वर्क। लेकिन ये जो बात है कि हाउ प्रेसिडेंट्स वर्क, मैं इसको नेक्स्ट वीक के लिए जो है ना पोस्टपोन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में मंडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला ये अब जो मैं यहाँ से आगे आपको पढ़ाऊंगा और प्रेसिडेंट्स काम कैसे करते हैं ये भी समझाऊंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जुम्मे को आपके लिए जो कंपनी लॉ की टाइमिंग जो सी होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि कंपनी लॉ की टाइमिंग में जुमे का टाइम हो जाता है जो कि मेरे अपने लिए भी जनाब एक बड़ी डिस्टरबेंस का बाइस है। तो हम इंशाल्लाह ताला जुमे का टाइम जो सा होगा नेक्स्ट वीक में वो जरूर जो सा उसको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो बाकी दिनों के टाइमिंग्स हैं वो जैसे आपको शेड्यूल बताया गया है उसके मुताबिक ही होंगे। यानी कि कल हम इंशाल्लाह ताला दोबारा मिल रहे हैं अपने उसी टाइम के ऊपर, 1 बजे से 2 बजे तक का जो टाइम है, और उस टाइम में इंशाल्लाह हम कल सिर्फ कंपनी लॉ की बात करेंगे, कल सिर्फ हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे, कल मर्केंटाइल लॉ की क्लास नहीं है। मर्केंटाइल लॉ की नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे वाले दिन होगी। मैं उम्मीद करता हूँ सबको सबने ये बात नोट कर ली होगी, और आज के लिए बच्चों मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला कल फिर कंपनी लॉ की आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you.